कांग्रेस की स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी कांग्रेस का झंडा फहराती हैं, ना कि राष्ट्रीय झंडा। यार थोड़ा सीखिए, और तर्क करने से पहले थोड़ी बुद्धि भी होनी चाहिए। कांग्रेस के बिना बुद्धि का तर्क नहीं करना चाहिए। बुद्धि आप यूनिवर्सिटी में छोड़ा है जहाँ पर क्लास नहीं लेते हैं, और यहाँ पर बैठकर आप भाषण देते हैं लोगों को। अगर ये बात वापस नहीं लिया, एक बार डर के मारे माफी मांगा, ये माफी मांगती है, आरोप लगाती है, ट्विटर माफी मांगती है, प्रोफेसर है, माफी मांगती है, प्रोफेसर है, ये माफी मांगती है। पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, आप प्रोफेसर है क्या? आप प्रोफेसर हैं, आज बता दीजिए जनता को, क्या कर रही हैं? प्रोफेसर हैं आप? नहीं, मैं तो डेजिग्नेटेड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, माखनलाल जी, कॉलेज में पढ़ाते हैं आप, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नहीं डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाते, तो ये मत बताइए कि कौन विद्वान है। ज्ञान का दर्शन मुझे दीजिए। प्रोफेसर तो है नहीं, प्रोफेसर ऐसे ही आपके सावरकर हो गए जो स्वयं भू वीर है, ऐसे ही आलोक जी देखिए प्रपंच और प्रपंच के पास। एक सेकंड एक सेकंड, सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। माखनलाल जी मैं मुक्त कर देता हूँ। मैं क्यों मैं प्रोफेसर नहीं हूँ ना, ये इनको बहुत आपत्ति, मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। इन्होंने कहा मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। यदि मैं क्लास नहीं लेता हूँ, आप प्रमाण कीजिए, और नहीं तो आज तक इसकी जिम्मेदारी ले। हाँ ठीक है, आप मुझे समझ लीजिए, आज तक जिम्मेदारी ले, आप मेरे ऊपर केस करिए, आज तक जिम्मेदारी ले, आप दो चीन चारे पर यही बात बोल चुके हैं। जब हम आपका क्लासरूम लाइव करें, आप बोल रहे बैठिए राकेश जी, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं आप, मत आई फंसी उनकी बात, बैठिए सर। नहीं नहीं आप फंसे नहीं, आप माइक मत रखिए, नहीं नहीं आप फंस रहे हैं, मेरी बात को विलाप कह रहे हैं। रागिनी हाँ, तो मैं गाली सुनने आई हूँ क्या? मैं आपकी गाली सुनूंगी? मेरी बात को विलाप कह रहे हैं? नहीं निजी आरोप, निजी आप उसका खंडन करिए। अरे बैठिए राकेश जी, बैठिए सर, बैठिए। अरे धौस, ये कैसी धौस है, मैं कार्यक्रम छोड़ दूंगा, छोड़ दीजिए ना, पर्सनल पर्सनल एक्यूजेशन है, पर्सनल धौस मत दीजिए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, धौस मत दीजिए, आप बैठिए, राकेश जी बैठिए, समय मत खराब करिए, आपके ऊपर बहस नहीं है, आपके ऊपर बहस नहीं है। अरे बैठिए सर, अरे बैठिए, अरे अब दीजिए पर्सनल एक्यूजेशन, यही तो दौर हो गया ना, हर कोई बोल देता है, मैं कैसे किसी का मुंह बंद कर सकती हूँ? मैं उनको कह रही हूँ कि निजी आरोप से बैठेंगे। अरे सर नहीं नहीं, ये अरे या तो बैठ जाइए या चले जाइए, निर्णय लीजिए ना, निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए। नहीं नहीं चलिए आगे बढ़िए, बहस पे आइए और दादा की बातचीत करते हैं। राकेश सिन्हा जी, दादा के दिल में क्या? रागिनी जी प्लीज प्लीज, मैं तो हंस के बहुत अच्छे से विनम्रता पूर्वक बात कर रही हूं। ठीक है चलिए, नहीं है ना, चलिए राकेश जी अब आप भी देखिए, अब वो भी मान चुकी है आपकी बात, राकेश जी बैठिए, चलिए वापस गलत बोली हो तो बोल दीजिए, आपकी बात मान गई वो। प्रणब मुखर्जी की तस्वीरें, आप कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर घटिया से घटिया आरोप लगाते हैं, गंदी से गंदी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किसी को आप लगातार इस तरीके से प्रणब मुखर्जी की तस्वीरों पे आइए, दादा के दिल में क्या है, दादा के दिल में क्या है, आइए तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए सार्थक बहस करते हैं, आज तक के मंच पर सार्थक बहस करते हैं, अब तो जनता भी कह रही है राकेश जी आपको बैठने के लिए। चलिए वापस आइए, आप लोग दादा पर बात करने आए, कहाँ पर फंसे हुए, एक सेकंड देखिए, ये नहीं एक सेकंड सर, फिर विजुअल आगे देखिए, दादा फिर